नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सारा न्यूज़। मैं आपके साथ नेहा। आइए बढ़ते हैं खबरों की शुरुआत। पिछले 15 सालों से शासकीय मकान पर डिप्टी कलेक्टर द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ था, जिसको लेकर गाडरवारा प्रशासन द्वारा कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार शासकीय मकान को खाली कराया गया। 2004-05 में आरआर ढिमोले का गाडरवारा में तहसीलदार के पद पर स्थानांतरण हुआ था, जहाँ पर उन्हें शासन द्वारा सरकारी मकान का आवंटन किया गया था। उसके बाद उनका दूसरी जगह ट्रांसफर होने के बाद बंगले खाली करने के निर्देश दिए गए, लेकिन उनके द्वारा उन शासकीय बंगले को खाली नहीं किया गया था, जिसको लेकर गाडरवारा एसडीएम पुलिस अधिकारी सहित नगरपालिका के अमले द्वारा मकान को खाली करवाया गया। शासकीय मकान को खाली करवाया सर, क्या मामला है? ये 2005-06 का लगभग का मामला है, जब श्री ढिमोले जी यहाँ तत्कालीन तहसीलदार थे, उनको ये आवास उपलब्ध कराया था, उसके पश्चात उनका ट्रांसफर हो गया था और उनके खिलाफ बेदखली आदेश जारी किया गया था। उसके पश्चात से उनकी फैमिली लगातार आज दिनांक तक रह रही थी, जबकि वो रिटायर भी उसके पश्चात ट्रांसफ़र हो करके 2016 में रिटायर भी हो चुकी हैं। उसके पश्चात भी उनकी फैमिली और वो निवास कर रहे थे, जिनको कि उस आवास में रहने की उनकी पात्रता नहीं थी, इसलिए उनको कहा गया आवास खाली कराने के लिए और आवास खाली कराया गया। क्या कोई कार्रवाई होगी उन पर? इतने दिन वो उनके पास रहा, कब्जा ये उनका जो किराया है वो उनसे वसूल किया गया है।